भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, सब जगह। यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे दिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि जो चीज हो वो दिखे? जरूरी है? समुद्र में नमक होता है, क्या दिखता है? नहीं, नमक होता है, दिखता बिल्कुल नहीं। विधि होती है उसे निकालने की, उस विधि से निकाला जाए तो निकल जाता है। जैसे समुद्र में नमक है, समुद्र की हर बूंद में नमक है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में परमात्मा उसी नमक की तरह समाया है। जैसे समुद्र के जल की हर बूंद में नमक है, ऐसे ईश्वर सर्वत्र नमक की तरह विद्यमान है। जैसे मिश्री में मिठास समाई है, ईश्वर समाया है। अब ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? आप बताइए क्यों नहीं दिखता? कथा में हमने कई बार बोला है, आप बताइए क्यों नहीं दिखता? मैया जी आप बताओ, भगवान दिखते क्यों नहीं है? मैया बोलो। भैया जी आप बताओ क्यों नहीं दिखते? हाँ, आत्मा में है इसलिए नहीं दिखते, ठीक है। आप बताओ मैया जी, ओ मैया आप बताओ क्यों नहीं दिखते भगवान? क्यों नहीं दिखते आप बताओ मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, कौन अंतर्यामी है? आप, भगवान। भगवान क्यों नहीं दिखते, इसका सटीक उत्तर नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिखते? आपको सब पता होना चाहिए। कोई आपसे प्रश्न कर ले। आज हमारे पास एक माँ आई सुबह, वो यहां शायद बैठी हैं। उनकी बेटी कश्मीर में पढ़ती है, जितने वहां टीचर हैं सब मुसलमान हैं। हिंदू बेटी से उन टीचरों ने कहा कि तुम हिंदू लोग, तुम कैसे बड़े, तुम्हारा धर्म कैसे बड़ा है? यदि बड़ा है तो कैसे बताओ? वो लड़की की माँ मेरे से आज पूछी कि गुरुजी आप बताइए ताकि मैं अपनी बेटी को बता सकूं, तो वो जवाब दे सके। कई बार हम जवाब देने की सामर्थ्यता नहीं रखते तो हम पर लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए आप सत्संग करेंगे, अपनी संस्कृति को करीब से जानेंगे तो आप हर जवाब दे सकेंगे। मैंने उस लड़की से, उस माँ से कहा कि माँ आप अपनी बेटी को कहना कि हिंदू धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदू अहिंसा की बात करता है, अहिंसा ही परमो धर्म। व्याख्यान देने के लिए तो बहुत बातें हो सकती हैं, पर कम शब्दों में यदि एक बात को स्पष्ट किया जाए तो यही है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम बड़े हैं, हिंदू बड़ा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी मानसिकता सबसे ऊंची है, हम अच्छा सोचते हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु था, आज भी है, आगे भी रहेगा। दुनिया को ज्ञान की किरण कहीं से मिली तो भारत से मिली है, जब जब मिली है तब तब भारत से मिली है, कभी भी। इसलिए भगवान कहां है? सब जगह है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि मिठास नहीं दिखती, क्योंकि समुद्र में नमक नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान नहीं दिखते।
देखना हो तो दूध में घी है, क्या दिखता है? नहीं। अब देखना हो दूध में घी, देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दही बना के मंथन करोगे तो मक्खन आएगा, मक्खन को पकाओगे घी बनेगा। भाई दूध में घी है, दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी उसकी विधिवत विधि नहीं की गई। जब विधि की जाएगी तो वो निकलेगा। ईश्वर है, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आप विधिवत वहां तक अभी पहुंचे नहीं जहां से वो दिखता। दूध में घी है पर दिखेगा कब? जब दही का मंथन, फिर मक्खन, फिर पकाओ। ऐसे ही जब कोई हृदय से परमात्मा से प्रेम करे, भक्ति की आग में अपने आप को तपाए, तो परमात्मा रूपी घी प्रकट हो जाता है। भक्ति किए बिना तुम्हें भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा? अच्छा एक कॉमन बात करता हूं, जो आपसे कहे कि भगवान क्यों नहीं दिखता, तो आप कहना क्या क्या बैक्टीरिया दिखता है? आपके हाथ में बैक्टीरिया होंगे अभी, हाँ या ना? मैया, ओ मैया कहाँ, आपके पीछे वाली को जगाओ, चलो ये बताओ कि हाथ में बैक्टीरिया है, क्या दिखाई पड़ते हैं? नहीं। अब दिखाई नहीं पड़ रहे इसका मतलब क्या नहीं है? हैं। तो देखना हो तो कैसे देखेंगे? एक यंत्र होता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी बोलते हैं। उससे यंत्र वो डॉक्टरों के पास भी होता है, साइंटिस्टों के पास भी होता है। उससे ऐसे ऐसे देखो तो बैक्टीरिया भी दिखता है, बारीक से बारीक परमाणु भी दिख जाते हैं, अणु परमाणु सब। बैक्टीरिया को देखने के लिए यदि यंत्र चाहिए तो क्या परमात्मा ऐसे ही दिखेगा? उसे देखना हो तो मंत्र का सहारा चाहिए, राम नाम का मंत्र चाहिए, ऐसे थोड़ी दिखेगा। अणु परमाणु तुमसे दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा दिखेगा। इन आंखों में ताकत कितनी है मेरी मां, ये बैक्टीरिया तो देख नहीं पाती। तुम्हारी आंखें बैक्टीरिया नहीं देख पाती तो भगवान देख पाएंगी? बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा।